आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। वैसे तो देखा जाए क्राइम के मामले में कोई भी राज्य अछूता नहीं है, लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं राजस्थान की। आपको बता दें कि भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस बार नेशनल क्राइम ब्यूरो के बारे में पूरा सर्च करके राजस्थान सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उसमें राजस्थान सरकार को यानी कांग्रेस सरकार को सीधा बताया है कि इस साल कितने क्राइम हुए और कितनी हत्याएं हुई है और कितने केस दर्ज हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने पूरा रिसर्च करके उनकी पूरी लिस्ट बनाकर उनको शेयर किए। आखिर और क्या क्या उन्होंने इस चीज के बारे में बयान दिया है, आइए खास जानकारी लेते हैं अपनी खबर से। भाजपा नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कह रहे हैं कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले स्थान पर है। पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में इस वर्ष 5,877 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जिनमें से अभी 1,477 केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। राठौड़ ने मीडिया से बात करते समय कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 31 नवंबर तक प्रदेश में 1,660 हत्याओं के मामले दर्ज हुए, 32,000 चोरियां हुई, जिनमें से 20,000 मामलों में पुलिस ने FIR लगा दी। साथ ही राठौड़ ने कहा कि राज्य के थानों में विधायक मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन ये सरकार नाम की है, काम की नहीं है। सरकार जो 70% बजट घोषणा पूरी करने का दावा कर रही है, वह सिर्फ कपोल कल्पित है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के गृह नगर में आधी से ज्यादा बजट घोषणा अभी तक कागजों में ही सिमटी हुई है। ये 120 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर यह सब कुछ किया जा रहा है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।